हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम बाइनरी नंबर की कन्वर्जन की बात कर रहे थे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे आज। सो माय डियर, आज माय डियर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लेट्स सपोज 110, इसकी बेस लिखेंगे 2 बाइनरी, प्लस करना है 11 के अंदर, इसकी भी बेस क्या है 2। अच्छा, अब बेसिकली ये हमारी एक वैल्यू है और ये हमारी दूसरी वैल्यू है, ठीक है। सो हमने ये पहली वाली वैल्यू को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, इस तरह लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, 1 1 एंड देन 0, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है उसको इस तरह नहीं उतारना कि 1 1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। याद रखेंगे हमेशा जब मैथ्स की जो कोई भी वैल्यू उतरती है, फिगर जो उतरती है, वो हम राइट हैंड साइड से उतारना शुरू करते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे 1 एंड 1, प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों की बेस क्या है, 2 है, ठीक है। सो मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 110, और सेकेंड वैल्यू क्या है, 11, मीन्स 110 में प्लस करना है 11। अब ये इसको प्लस किस तरह करना है, इसकी एडिशन किस तरह करनी है, इसका सम किस तरह निकालना है, वो हम आपको बता दें। जीरो में जब हम 1 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल 1 रहेगा, ठीक है। अब 1 प्लस 1, जब 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो 2, लेकिन 2 हम बाइनरी नंबर में नहीं लिख सकते। जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि बाइनरी नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वो 0 होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, वो 1 होता है। तो हम 2 नहीं लिख सकते, बट वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, सो हम इजीली यहां पर कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से हम आएंगे, 2 को कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर से ही डिवाइड करेंगे, 2 1 2 बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो क्या हम इसको इस तरह लिखेंगे, 0 हम यहां लिखेंगे, और क्योंकि डबल हम वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है, दरमियान में डबल वैल्यू नहीं लिख सकते, और 1 लगा देंगे हम कैरी, फिर 1 प्लस 1, दोबारा 2 हो गया, 2 हम दोबारा यहां पर मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 2 का जब हमने सम अप निकाला, उसको हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, क्या आ रहा है, वो 10 आया है। तो हमने यहां पर टोटल 10 लिखना है, कंप्लीट 10 लिखना है, क्योंकि आगे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहीं पर सॉल्यूशन खत्म है, ये लास्ट वैल्यू है। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 10, और इसकी बेस क्या लगा देंगे हम, 2, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं। सो डियर, हम दूसरी एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमें जो एडिशन है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। तो वैल्यू हम लेंगे 1011, फिर हम लिखेंगे एक और वैल्यू, क्या लेंगे हम, प्लस करेंगे इसमें 1111, ठीक है। इसकी भी बेस क्या होगी, 0 होगी, इसको भी हम उतारते हैं 1011, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, राइट हैंड साइड से हम उतारेंगे 1 1 1 एंड 1, ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे, एडिशन करेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगेन मैं आपको यहां पर वर्क करके दिखा रहा हूं कि 2 को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में, ठीक है। 2 1 2 बचेगा क्या, 0, मींस 0 और 1, तो 0 हम यहां पर लिखेंगे आंसर की जगह पर, और 1 कैरी लगाएंगे, 1 1 एंड 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 जो है डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 1 2 बचेगा क्या, 1, इट मींस के 11 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, इसको भी इस तरह लिखेंगे, 1 यहां पर आंसर में लिखेंगे, और दूसरा वाला 1 जो है कैरी कर देंगे। फिर क्या है, 1 एंड 0 1 देन 1 2, दोबारा 2 हमें पता है 2 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, ठीक है, 0 एंड 1। उसके बाद क्या आ रहा है, दोबारा 1 2 3 3 आ रहा है, 3 को हमने कन्वर्ट किया था, 3 किसके बराबर हो रहा है, 11 के बराबर, और टोटल हम यहां पे 11 लिख देंगे, क्योंकि यहां पे आगे कोई और वैल्यू नहीं है, हमारा सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो रहा है, 1 1, ठीक है। तो दिस वुड बी योर आंसर, इसकी बेस हम
टू कर देंगे। आपने देखा कितना सिंपल है, एडिशन हमने बहुत इजीली आराम आराम से कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सब्ट्रैक्शन की, तो उसके लिए मैं आपको बोर्ड रफ कर देता हूं आपके लिए। जी ओके ओके डियर, तो हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम वैल्यू ले लेते हैं फिगर। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? 110 की बेस क्या है? 2 माइनस 11 और इसकी भी बेस क्या है हमारे पास? 2। ओके सो सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे 110 और वही वाली बात है जो मैंने आपको एडिशन में बताई थी, वैल्यू को राइट हैंड साइड से हम उतारेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से उतारेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके माय डियर, ये बात याद रखें, अक्सर स्टूडेंट जो है ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और उनका आंसर जो है वो ठीक नहीं आता है। तो हम इस तरह उतारेंगे 1 and 1, माइनस का निशान लगाएंगे, लाइन बनाएंगे। ओके, जीरो में से 1 जा रहा है, जीरो में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम इसके बराबर वाले से उधार लेंगे। जब बराबर से उधार लिया तो ये हो गया 10 और ये क्या हो गया हमारे पास? 0। इसका 1 हमने ले लिया तो क्या हो गया? ये 0 हो गया और ये 10 हो गया। 10 का मतलब याद है, 10 का मतलब क्या था? 10 का मतलब 2, 10 का मतलब 2, मीन्स 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ओके, ये 0 हो गया था। ठीक है, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लेते हैं, बराबर वाले से फिर ये वाला 1 लिया, ये तो हो गया हमारा 0। फिर 10 हो गया, ये 10 का मतलब क्या है? 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहां पे क्या बचा? 0 उतारना चाहे तो उतार ले, नहीं भी उतारेंगे तो आंसर पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एंड दिस विल बी योर आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लेट मी रफ दिस। दूसरी वैल्यू हम लेते हैं 1 1 1 0 1, एक वैल्यू हम ये ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी वैल्यू बड़ी कर लेते ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। माइनस का निशान लगाएंगे 1 1। ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी हम बड़ी लेंगे, ठीक है, ताकि इजीली आपके समझ में आ जाए। 100 1 1। ठीक है, बेस 2। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू और ये दूसरी वाली वैल्यू। अभी हम इसको उतारेंगे, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 1 1 1 0 1, देन सेकेंड वैल्यू क्या है? लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 1 0 0 1। ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अगेन 0 में से 1 नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लेंगे। जब बराबर वाले से 1 कैरी लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया और ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 मींस क्या होता है? 2। 10 मींस क्या है? 2। 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये 0 है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या? 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा माय डियर? 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, कुछ गया ही नहीं। और 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो दिस वुड बी योर आंसर। आई होप के माय डियर आपको तमाम तर जो है सोल्यूशन समझ में आ रही होगी। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी वैल्यूज ले रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली आपने देखा होगा मैं मैथ्स के अंदर या और दीगर चीजों के वो टॉपिक उठाऊंगा जो तमाम तर जो है वो फैकल्टीज में कॉमन है। मींस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इंट्रो में कि बाइनरी डेसिमल ऑक्टल के बारे में 9 मैट्रिक में पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड ईयर में ही पूछा जाता है, आपके प्राइमरी सेकेंडरी के मैथ्स में भी होता है और कंप्यूटर स्टडीज में होता है। इसके अलावा और भी मैथ्स के और अल्जेब्रा के और भी मैं ऐसे सवाल जो कॉमन सवाल उठाऊंगा जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 मैट्रिक और हर जगह जो कॉमनली वो पूछे जाते हैं माय डियर। और उन स्टूडेंट्स के लिए ये है, अपना दिल छोटा ना करें, मेरे लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए, एएलपी के स्टूडेंट के लिए कि मैं बहुत सारी जो है वो बहुत दिनों से इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो वीडियोस नहीं बना रहा हूं, तो आज रात को एक इंग्लिश लैंग्वेज की भी वीडियो अपलोड होने वाली है। माय डियर, आई वांट यू ऑल टू प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल ज़ाकिर ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।